वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर कुछ देर बाद डेरा इस्माइल खान के लिए रवाना होंगे। शहबाज शरीफ डी आई खान डिवीजन के लिए मुतअद्दिद तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखेंगे। तकरीब से खिताब भी शेड्यूल। डिजिटल मर्दमशुमारी की वजह से आम इंतखाबात अक्टूबर से पहले होने का इम्कान ख़त्म। वफाकी इदारे शुमारियात वस्त मार्च तक मर्दमशुमारी के नतायज मुकम्मल कर सकेगा। डिजिटल सेंसिस के लिए 2875 मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग मुकम्मल। मुल्क में कानून की बालादस्ती के बगैर अहम टास्क हासिल नहीं किए जा सकते। कानून की बालादस्ती मौशी सरगर्मी और सरमायाकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। इमरान खान की पंजाब के साबिक आईजी से मुलाकात में गुफ्तगू। पुलिस रिफॉर्म और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इस्लाहात पर बातचीत। इमरान खान ने पंजाब की सीनियर क़यादत का इजलास आज फिर बुला लिया है। मियां असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, स्पीकर पंजाब असम्बली और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। पंजाब के हवाले से अहम फैसले मुतवक्के। वज़ीर आला के एतमाद के वोट के लिए हिकमत अमली पर भी मुशावरत होगी। इंसाफ का मुल्क की मौशी सूरतेहाल पर वाइट पेपर जारी करने का फैसला। इमरान खान ने मौशी माहरीन का इजलास आज बुला लिया। मईशत और गवर्नेंस पर सिफारिशात तैयार कर रहे हैं। हुक्मरानों से निजात के बाद बड़ी इस्लाहात के बगैर मुल्क मुश्किल से नहीं निकल सकता। फवाद चौधरी। इस्लामाबाद बल्दिया से भागने वाले मुल्क में खाक इलेक्शन कराएंगे। इलेक्शन अप्रैल मई में ना हुए तो हालात मजीद खराब हो जाएंगे। सारे हथकंडे इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए हैं। दहशतगर्दी की लहर, आटे के डबल रेट पर भी सन्नाटा। अल्लाह रहम करे। शेख रशीद। अरबों रुपए की करप्शन वाले की जमानत लंदन बैठे मंजूर हो गई। आजम सवाती की जमानत कई हफ्ते गुजरने के बाद आज तक मंजूर नहीं हुई। ये इंसाफ का दोहरा मायार है। असद उमर। इमरान खान पर हमले की घिरावनी साजिश के ऑडियो वीडियो सबूत मौजूद। जीआईटी कानून के मुताबिक बनाई गई लीगी कायदीन को तहकीकात के लिए बुलाया गया था, वो नहीं आए। जिनका दामन साफ है उनको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। नून लीग की मकामी क़यादत ने इमरान खान को धमकियां दी। उमर सरफराज चीमा। गैस का बहरान, आवाम का सख्त इम्तिहान। मुश्किल वक्त में नाजायज़ मुनाफा खोर सरगर्म। पेशावर में लकड़ी के नरखों में होशुबा इजाफा। कीमत 300 रुपये इजाफे से 1500 रुपये फी मन हो गई। लकड़ियों के इस्तेमाल पर बजट आउट ऑफ कंट्रोल। कहाँ जाएं, किससे फरियाद करें, शहरियों की दुहाई। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद सर्दी की लहर। सर्दों में दर्जा हरारत -12, अस्तोर -8, कल्लात -7, ज्यारत -5 और कोयटा में -3 डिग्री तक गिर गया। महकमे मौसमियात की मौसम मजीद सर्द होने की पेशगोई। चीन में फिर कोरोना का खौफनाक फैलाव। सनती सूबे जिजांग में एक दिन में 10 लाख नए केसेस सामने आ गए। लॉकडाउन में मजीद सख्ती। चीन में कोरोना की नई लहर से आलमी बरादरी भी तशवीश में मुब्तला।